नक्शु पेन की स्पीड थोड़ी सी कम कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारी ना डिस्टर्बेंस आ जाती है वीडियो में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, वीडियो के टाइटल से और मेरे बैकग्राउंड से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। और दक्षु से मिल लीजिए आप। दक्षु हाय बोलो। दक्षु हाय बोल दो। नहीं पूछो कैसे हो। अभी दक्षु नहा के हटा है और देखो वहाँ पे चेयर लगी हुई है ना, अब ये फिर से पंगे ले रहा है। फिर सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलेंगे कि दक्षु को अपने हटाया नहीं। दक्षु नहीं यहाँ पे, नहीं पंगे लेते बेटा, वो हाई हाई कर देता है। चेयर करो इधर, चेयर लगी होती है ना ये, तभी वहाँ जाता है। सो गाइज आ चुकी हूँ मैं अपने घर, और रात को आ गई थी एक्चुअली, मैं रात को आ गई थी, थोड़े से लेट हो गई थी आके। फिर खाना वाना डिनर वगैरह मैं घर से ही करके आई थी, तो आके बस थोड़ा सा घर की सेटिंग की। बहुत ही अजीब सा हो रहा था घर, अच्छा सा नहीं लग रहा था देखने में, क्योंकि हस्बैंड लोग का काम आपको पता ही है, वाइफ घर से चली जाए तो हस्बैंड लोग काम किस तरीके से करते हैं, अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं बट उतना अच्छा हो नहीं पाता। तो सबसे पहले आके मैंने किचन को क्लीन किया अच्छे से, बाकी अभी पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी बाकी है। किचन की क्लीनिंग की थी मैंने, किचन दिखा देती हूँ मैं आपको। और मेरे कपड़े, इतने स्वेटिंग आ रही है ना मुझे, कपड़े एकदम गीले हो चुके हैं मेरे स्वेटिंग से। देखो मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया था आज सुबह भी और रात को भी, किचन मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि किचन एरिया मुझे गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहे। और घर का फिर डीप क्लीनिंग मैंने सोचा कि चलो सुबह करूँगी, फिर ये सब करके मैं रात को सो गई थी। और अभी मेरे बैग भी ऐसे ही पड़े हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। और दक्षु मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, वहाँ पे हलीन मेरे पीछे पीछे घूमती थी, यहाँ दक्षु मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, ये रहा। तो घर की हालत कुछ इस तरीके से है, ये मेरे बैग्स पड़े हुए हैं। अभी मैं फ़ोन से व्लॉगिंग कर रही हूँ, कैमरा से नहीं कर रही, क्योंकि कैमरा वगैरह सब मेरे बैग में ऐसे ही पैक है, लैपटॉप वगैरह सब। और ये मेरे पति देव ने पीछे से कुछ कपड़े धोए होंगे अपने, वो सब ऐसे गोल मटोल करके ऐसे ही फेंके हुए हैं। तो ये सब अब धीरे धीरे काम होगा, इनको भी मैं वो करूँगी फोल्ड करके अलमीरा में रखूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना अनपैक कर लेती हूँ बैग, और उसके बाद ही फिर धीरे धीरे रूटीन में आने की कोशिश करूँगी। तो चलिए गाइस बैक टू रूटीन आते हैं और अपने घर को संभालते हैं। बहुत हो गई मस्ती मायके में जाके, 9-10 दिन रह आई थी मैं वहाँ पे, तो वापस तो आना ही था। एक दिन और बढ़ाओ, एक दिन और बढ़ाओ, उनका तो मन ही नहीं लग रहा। वो बोल रहे थे कि कल चले जाना, कल चले जाना, कल चले जाना, लेकिन यार काम भी ज़रूरी है, तो घर तो वापस आना ही था। फिर इनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, खाना वाना दिक्कत, और घर का काम तो चलो थोड़ा बहुत ही कर ही लेते थे बट उतना नहीं कर पाते जिस हिसाब से मैं करती हूँ। तो मैं फिर अब अपने हिसाब से करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए गाइस बैक टू रूटीन आते हैं और लग जाते हैं काम पे, है ना रक्षु? हाय कर दो। तो चलो वही अनपैक कर लेती हूँ बैग। दक्षु नहीं मैं कर लूंगी, तो पहले ये कपड़े भी खराब कर देते हैं मेरे। नहीं नहीं मैं खुद करूंगी, आप मत दो। दक्षु नहीं ना, पागल हो गया तू।
गर्मी में जाकर अपने अंदर बाहर खेलना पागल। क्या क्या लेना है? क्या ले लो, जाओ जाओ ले लो, क्या लेना है? काम ही नहीं करने दे रहा। एक तो इस रूम में फैन नहीं है, इतनी गर्मी है, और मेरे साथ गर्मी में घूम रहा है। वहां जाओ, फैन के नीचे जाओ, वहां पे यहाँ गर्मी है बेटा, फैन नहीं है यहाँ, वहां जाके खेलो। सोच रही हूँ आराम से बैठ के कपड़े फोल्ड कर लूँ, इतने सारे कपड़े हैं, फिर बाद में गर्मी के काम है, ये नहाने के बाद नहीं होते। और नीचे फर्श अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, तो मैं सोच रही हूँ आराम से नीचे बैठ के ही काम कर लूँ, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। अपना वो चक ला, वो गोल गोल चक, बहुत परेशान कर रहा है दक्षु तो, बहुत ज्यादा। गाइस एक्चुअली इस वाले रूम में फैन नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताया था व्लॉग में बार बार एक चीज को क्या बोलूं, वो एक्चुअली ना इसका भी जुगाड़ करके आई हूँ मैं। बाहर जा दक्षु, हवा बाहर है, अंदर नहीं है। क्यों मेरे साथ यहाँ पे गर्मी में बैठा हुआ है तू? पता नहीं क्या हो रहा है, इस लड़के को बात ही नहीं मान रहा। मैं तो गर्मी में हूँ, तू तो जा हवा में नहा के ऐसे घूम रहा है गर्मी में मेरे पीछे पीछे। तो गाइस मैं सोच रही थी काफी टाइम से कि इस वाले रूम में फैन लगाऊंगी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गर्मी है ना, तो अभी तो मतलब मन ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे फैन होना बहुत जरूरी है। अभी नहीं लगाऊंगी तो फिर कब लगवाएंगे हम यहाँ पे फैन, क्योंकि गर्मी अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। तो इस वजह से अभी मैं घर पे गई थी, तो फिर मैंने पापा से बोल के कि मुझे इस वाले रूम के लिए फैन अरेंज करवा दो, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, मैं आप लोगों के साथ हर चीज अपनी शेयर करती हूँ। तो मैं एक्चुअली ना न्यू फैन अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इस वजह से फिर मैंने सेकेंड हैंड फैन लेने का सोचा है, मतलब बजट में मेरा काम बन जाएगा, फिर वो
शायद एक दो दिन में मेरा फैन आ जाए, फिर यहाँ पे मैं लगवा लूंगी। देखती हूँ अगर दक्षु के पापा से लग गया तो ये लगा देंगे, नहीं तो फिर वो भी किसी को बोल के लगवाना पड़ेगा, क्योंकि यार मेरा काम है यूट्यूब का, वीडियोज वगैरह बनानी होती है। मोस्टली सामान मेरा इसी रूम में रहता है, कपड़े वगैरह और तैयार होना हर चीज, ड्रेसिंग एरिया मेरा इसी रूम में है सब कुछ। तो मुझे इस रूम में तो दक्षु भी एक्चुअली मेरे पीछे पीछे ना यहाँ पे खेलता रहता है, तो इस वजह से भी मुझे होता है कि मेरा बच्चा भी गर्मी में यहाँ पे मेरे पीछे घूमता रहता है, तो यहाँ फैन होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से फिर मैंने अरेंज करवा लिया किसी से बोल के, तो शायद पापा आज या कल एक दो दिन में मतलब यहाँ पे छुड़वा देंगे, तो फिर थोड़ा आराम हो जाएगा। तो जी कपड़े मेरे हो चुके हैं फोल्ड सारे, अभी मैं इनको अलमीरा में सेट करके फिर यहाँ की सफाइयाँ करूंगी, सफाइयाँ करके फिर मैं नहाऊंगी, नहीं तो देखती हूँ अभी मैं नहा लूंगी, सफाइयाँ इसकी शाम को करूंगी। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और एक्चुअली ना बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से मेरा सर भी पेन होने लगता है। अब ये लड़का नहीं मानेगा, मुझे उठना ही पड़ेगा यहाँ से। चलो उधर चलो। सो गाइस बस अभी की सेटिंग कर दी है मैंने, सारे कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए, बैग जो थे मेरे वो अनपैक कर दिए, अभी बस क्या करना है क्लीनिंग करनी बाकी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गर्मी की वजह से। ये कपड़े अभी सूखे हैं मेरे, फ़ैन के नीचे आके बैठी हूँ मैं, थोड़ी देर पानी वानी पिया है, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो की एंडिंग करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। और मैंने तो जिस दिन मैं घर गई थी जाते जाते उस दिन मैंने थ्रेडिंग भी करवा ली थी रास्ते में ही। माई पीना जाऊँगा अच्छी लेके आऊँ। गाइज एक सेकेंड इसको पानी दे दूँ, मुझे लग रहा पता नहीं क्यों बोल रही है मम्मा मम्मा मम्मा। कभी कभी ना हम बच्चों की बातें समझ नहीं पाते हैं, इसको लग रही है प्यास। पहले ये खेलने में मगन था, जब मैंने पानी पिया उस टाइम इसने पिया नहीं, क्योंकि इसको सामान मिले हुए थे। अब जब मैंने नाम लिया ना आपके साथ ब्लॉग करते करते, अभी नाम लिया मैंने कि मैंने अभी पानी पिया, तभी से याद आया कि मम्मा मुझे भी पानी दो, मुझे भी पानी पीना है। ओ भर गई गिलाची, भर गई दक्षु की। पानी में ही जाने गए, जितना पानी पियो उतना कम गर्मी के टाइम में, और भूख कम लगती है आजकल गर्मियों में पानी पीने की वजह से। तो गाइज इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, सफाइयाँ करनी है, बेडरूम को सेट करना है, बेडशीट वगैरह तो इन्होंने चेंज कर दी थी मेरे पीछे से, तो बेडशीट चेंज नहीं करूँगी अभी मैं, एक दो दिन रुक के करूँगी क्योंकि फिर एकदम से काम का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो सफाइयाँ करनी है, शाम के टाइम करूँगी, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही काम करने की, सुबह से लगी हुई हूँ किचन की स्लैब क्लीन करने में। और किचन के जो वो सामने क्लोथ्स दिख रहे हैं आपको, ये सब मैंने धुल के सुखाए हैं। जाओ लेके आओ ऊपर से, वो लेके आओ ग्लासी। तो ये आप किचन में वो सामने विंडो पे देख रहे हैं क्लोथ्स वगैरह सब धुल के मैंने वॉश करके अच्छे से सुखाने के लिए वहाँ रख दिए। बस ये सब काम करते करते हालत ख़राब हो गई, कपड़े फोल्ड किए, बैग अनपैक किया, ये सब चीज़ें थी। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मैं लेती हूँ आपसे विदा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अब बैक टू रूटीन आ चुकी हूँ, धीरे धीरे घर के और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए, है ना दक्षु। गाइस हमें सपोर्ट नहीं कर रहे आप अच्छी से, सबको बोलो प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बोल दो सबको। ऐसे बोल दो लाइक करो, दक्षु देखो इधर, दक्षु इधर देखो, इधर देखो, बोलो लाइक कर दो सब, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हाँ, और पूछो सब लोग खुश रहो, सबको बोलो सब लोग खुश रहो, कुत्तू कुत्तू। तो चलिए गाइज मैं इंद्रजीत मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो या फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखो इसे पता चल जाता है जब ये वाली लाइन में बोलती हूँ ना लास्ट में, तो इसे पता चल जाता है। बाय 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 बाय।